नमस्कार, बिहार के साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। अच्छी खबर पटना से, जहां 297 करोड़ की लागत से बन रहे दीघा आर ब्लॉक 6 लेन रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है। जानकारी के हिसाब से इस 6 लेन रोड पर बेली रोड तक के लिए आवाजाही सितंबर के अंत तक शुरू हो जाएगी। इस अवधि में पटेल नगर नाला और शिवपुरी फ्लाईओवर के काम को लगभग पूरा कर लिया गया है, जिससे बेली रोड तक के लिए आवागमन काफ़ी आसान हो जाएगा। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी BRDC के अधिकारियों की निगरानी में एजेंसी कार्य कर रही है। लगभग 6.5 किलोमीटर लंबाई वाली इस सड़क में कुल 3 फ्लाईओवर होंगे, जिनकी चौड़ाई 14 मीटर होगी। पुनाई चक के पास मोहनपुर सम्प हाउस के पुराने नाले व हौज को ख़त्म कर अब इसमें मिट्टी डालकर सड़क बनाने की कवायद की जा रही है। इसके बाद जल्द ही पटेल नगर नाले को दुरुस्त कर यहाँ से भी अवरोध को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें हड़ताली मोड़, शिवपुरी व राजीव नगर में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। राजीव नगर फ्लाईओवर तैयार हो चुका है, जबकि शिवपुरी फ्लाईओवर पर अगले सप्ताह से आवागमन आरंभ हो जाएगा। हड़ताली मोड़ के पास बेली रोड पर बन रहे फ्लाईओवर अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इस सड़क पर औपचारिक रूप से आवागमन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस 6 लेन रोड की चौड़ाई कुल 21 मीटर है, जिसमें 4 मीटर को मेट्रो के लिए सुरक्षित किया गया है। इसका कार्य 2019 के मार्च में शुभारंभ हुआ था, जिसको 2020 के अक्टूबर तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और अगर आप ये खबर फेसबुक पर भी देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।